पश्चिम बंगाल का चुनावी संग्राम थम गया। प्रत्याशियों के परिणाम भी आ गए। इस परिणाम में टीएमसी लगातार तीसरी बार भी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई। भाजपा की सारी रणनीति और एग्जिट पोल के सभी दावे तितर बितर हो गए। मगर बंगाल की जीत को लेकर खीर में नमक के स्वाद आने वाली स्थिति उस वक्त पैदा हो गई जब तृणमूल के सुप्रीमो श्री ममता बनर्जी, दो बार के मुख्यमंत्री, खुद नंदीग्राम सीट से अपने पूर्व सहयोगी और भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से 1957 वोटों से हार गई। शुभेंदु अधिकारी 1,09,673, ममता बनर्जी 1,07,937। ममता बनर्जी के हारते ही लोगों के मन में एक प्रश्न उठा, क्या हारा हुआ प्रत्याशी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो कौन होगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? दोस्तों, पहले इस बात को समझ लें कि जनता चुनाव में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को नहीं चुनती, बल्कि एमएलए और एमपी को चुनती है। हम एमएलए चुनने के लिए विधानसभा का वोट देते हैं। विधानसभा के वोट में हमारे वोट से जो प्रत्याशी जीतता है उसे विधायक यानी एमएलए कहते हैं। अंग्रेजी में एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। इस विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती हैं और इसी 213 विधायकों में से कोई एक जीता हुआ विधायक ही राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। उसी तरह जब हम लोग लोकसभा का वोट देते हैं तो हम एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, जिसे सांसद कहा जाता है। इन्हीं जीते हुए सांसदों में से कोई एक प्रधानमंत्री बनता है, जैसे अभी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी नियम को देखते हुए अब बहुतों के मन में ये सवाल चल रहा है कि ममता जी तो हार गई, तो क्या मुख्यमंत्री बन सकती है? इसका जवाब है हाँ, जरूर बन सकती है। इससे पहले भी देश में बिना विधायक बने ही उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद यादव, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, कमलनाथ, तीरथ सिंह रावत अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री बने। इस विषय में संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है, मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, वह 6 महीने के समय सीमा समाप्त होने के बाद मंत्री नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी के पास विधायक बनने के लिए 6 महीने का समय है, अर्थात ममता बनर्जी जी को 6 महीने के अंदर किसी खाली सीट से नामांकन दाखिल करना होगा और उपचुनाव जीतकर विधायक बनना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तब मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। दोस्तों, उपचुनाव मतलब मुख्य चुनाव के बाद होने वाला चुनाव है, जो मुख्य चुनाव न हो पाने की स्थिति में कराया जाता है। आमतौर पर इन चुनावों को तब कराया जाता है जब एक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को वोटिंग अमान्य किया जाता है। बंगाल विधानसभा चुनाव 294 सीटें पर होनी थी, मगर 2 सीटों के प्रत्याशी के मौत के कारण चुनाव टल गई थी। इस सीट से चुनाव लड़कर और जीतकर पूर्ण विधायक का दर्जा ममता बनर्जी जी पुनः प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के हालात कई बार अन्य पार्टियों के साथ देखने को मिला है। 2017 में गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पाटसेकर चुनाव हार गए थे, जिसके वजह से बीजेपी उनके नेतृत्व में सरकार नहीं बना पाई और केंद्र से रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी को कमान संभालने के लिए भेजा और गोवा का मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह साल 2009 में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन बिना किसी सदन के सदस्य रहे ही मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 6 महीने के अंदर एक उपचुनाव में भी वो हार गए। उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1970 में भी यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिभुवन सिंह एक उपचुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। दोस्तों, अब आप समझ गए कि कैसे एक प्रत्याशी चुनाव हार कर भी मुख्यमंत्री बन सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।